हेलो जी, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और व्लॉग में। और अभी तो खैर का टाइम है, 3 बजे हुए हैं। मम्मी पापा के लिए मैं चाय बना रही हूँ और इधर मैं मलाई बलो रही हूँ, जो मैंने इकट्ठा करके रखी हुई थी, तो उसको मैंने लोटे में कर लिया बुलाने के लिए। और अब मैं इसको बुलाने लग गई हूँ। मम्मी जा रही है गीतों में, हमारे यहाँ कोई भात नोतने के लिए आई हुई है, तो मम्मी वहीं पर जा रही है और पापा जी जा रहे हैं राशन लेने। तो जब तक वे आएंगे हमारी चाय भी बन जाएगी और फिर मैं उनको चाय दे दूँगी। मैं चाय पी लेंगे, उसके बाद जो उनका काम होगा पशुओं को चारा डालने का, तो वे काम कर लेंगे। और मलाई बुलाने के बाद मैं मक्खन निकाल लूँगी। 3-4 दिन की हो गई थी मलाई, तो मैंने सोचा आज उसको बुलो ही लेती हूँ। हमारी चाय बन गई है, तो मैंने गैस कम कर दिया है, थोड़ी पक जाएगी चाय, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा, चाय का पीने में भी अच्छी लगेगी। अब गर्मियाँ शुरू हो गई है तो हमने अदरक डालना बंद कर दिया है चाय में। तो चाय मैंने मम्मी पापा को दे दिया है। और जो ये हमारी मलाई थी ना, इसमें ये थोड़ा पानी गर्म करके डाला है, ठंडी हो गई थी जिस वजह से मक्खन आ नहीं रहा था। और जैसे कि मैंने पानी डाला इसमें गर्म करके, तो मक्खन आ भी गया है। और अब मैं इसको निकाल लूँगी, पहले जो रई पर मक्खन लगा हुआ है पहले इसको निकाल लूँगी, और जो फिर लोटे में मक्खन बचेगा फिर उसको निकाल दूँगी। तो मक्खन हमारा थोड़ा सही हुआ है। देखिए मैंने जो बुलौनी में मक्खन लग रहा था उसको भी मैंने हाथ से कटोरी में कर दिया है। और अब जो हमारा लोटे में मक्खन है था वो भी मैं चम्मच से इसमें कर रही हूँ कटोरी में। थोड़ा सा ही मक्खन निकला है, ज़्यादा दिन की मलाई नहीं थी, जो ज़्यादा दिन की होती है उसमें से निकलता है ज़्यादा मक्खन, तो अभी थोड़ा ही निकला है। तो मैंने सारा मक्खन निकाल लिया है लोटे में से, जो इसमें है था और जो लग रहा था अंदर की साइड वो भी मैंने सारा निकाल लिया है। तो देखिए ये मक्खन हुआ है हमारा, जो उसमें ये दूध सा आ गया था ना निकालते वक्त चम्मच से, तो उसको उस सारे दूध को मैं फिर से लोटे में ही कर दूँगी। और जो हमारा ये मक्खन है उसको मैं ऐसा फ्रिज में रख दूँगी, जो इसमें से छान निकलेगी वो फिर बाद में सारी निकाल दूँगी। तो ये देखिए मैंने सारी इसमें से जो छाछ थी वो सारी निकाल दी है। और जो घी है हमारा वो देख लीजिए कितना सा निकला है, ज़्यादा दिन की मलाई नहीं थी। और जो ये मट्ठा बचा हुआ है इसको मैं डाल दूँगी ढोवन में। तो जो पापा जी राशन लेके आए थे दिखा है, तो चावल मिले हमें राशन में, तो मम्मी साफ करके रख देगी। इनमें कंकर मिट्टी देख रही है कुछ है तो नहीं, और फिर जो ये टीन की होगी नीचे छोटे छोटे चावल के दाने निकल गए हैं वो भी एक ढोली में करके रख देगी, बाद में पशुओं के लिए पिसवा कर उन्हें ठंडी कर दिया करेंगे। और जो हमारी ये बड़ी बड़ी ढोली रखी है उनमें ये चावल आ जाएंगे जो मम्मी साफ कर रही है। और इधर मम्मी गीतों में गई थी, तो ये पता से वो लड्डू मिले हैं मम्मी को गीतों में, तो वो घर पे लेकर आ गई थी। बाद में पापा जी जब खाएंगे खाना तब दे दूँगी। तो अभी जो हमारे चावल है उनको साफ करके मम्मी एक ढोली में रख देगी, ये खींची एक ढोली में करके रख देंगे। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं बनाऊंगी आज साबुदाने की खीर, क्योंकि ये मेरा है आज व्रत सोमवार का। तो शाम को मैं मीठा ही खाती हूँ इसलिए साबुदाने की खीर बनाऊंगी मैं। और मम्मी की तबीयत 2-3 दिन से काफ़ी ख़राब हो रही है, उनका किसी भी सब्जी में टेस्ट नहीं आ रहा। तो मम्मी जा रही है मछली की दाल लेने, आज मछली की दाल बनवाएंगी मैं। और बोल रही थी कि चटपटी सी बनाना जो स्वाद आ जाए में अच्छी लगे। तो अभी मम्मी जा रही है मछली की दाल लेने, तब तक मैं खीर बनानी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि साबुदाने की है दाना थोड़ा गलेगा भी, इसलिए सबसे पहले मैं उसको थोड़ा पानी में ही उबालूंगी, उसको डाल दूंगी, क्योंकि कच्चा रह जाता है साबुदाना जो मैं दूध में ही बनाऊँ, तो इसलिए मैं सबसे पहले पानी में उसको आज उबाल रही हूँ। आज पहली बार बना रही हूँ मैं पानी में उबाल कर, वरना मैं दूध में ही बनाती हूँ, जब भी बनाती हूँ दूध में डाल देती हूँ, वो धीमी धीमी आंच पर पकता रहता है। तो आज मैं बनाऊंगी उसको थोड़ा पानी में डालकर, ये मैंने थोड़ा पानी लिया है इसमें भिगोने में,
और इसको मैं गैस पर रख दूंगी, और जब तक इसमें उबाल आएगा तब तक मम्मी दूध भी निकाल लेगी गाय का, और फिर जब ये साबुदाना गल जाएगा तो मैं फिर दूध डाल दूंगी इसमें साबुदाने में, तो खीर हमारी अच्छे से बन जाएगी। आज पहली बार देख रहे हैं ऐसा, ट्राई करके देखते हैं होता है नहीं। इधर मैंने पानी रख दिया है, बस थोड़ा ही रखा है एक कप पानी, जिससे कि ये साबुदाना गल जाए, और उसके बाद मैं दूध डाल दूंगी इसमें जब ये गल जाएगा, और उसके बाद अच्छी खाने में अच्छी लगेगी खीर साबुदाने की। वरना हर बार तो मैं साबुदाने की खीर दूध में ही उबाल कर बनाती हूँ, पर कच्चा रह जाता है थोड़ा बहुत। कोशिश करती हूँ उसको गलाने की, काफी देर तक गैस पर रखा रहता है, लेकिन दूध दूध सारा जल जाता है और दाने कच्चे रह जाते हैं। इसलिए आज देखिए हमारा पानी, हमारे पानी में खद्दे भी लग गए हैं, और अब ये मैं साबुदाना इसमें डाल दूंगी। धो इसको मैंने पहले ही धो लिया था, तो अभी इसमें कुछ कोई धूल मिट्टी गर्दा ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। मैंने इसको अलग बर्तन में करके धोया था, और फिर इस बर्तन में कर लिया था धो के, इसलिए मैंने ऐसे ही डाल दिया। और अब मैं इसे चलाते रहूंगी ताकि ये नीचे लगे ना, लग जाता है ना जो चलाते नहीं है। तो जब तक ये गलेगा इसमें मम्मी दूध निकाल लेगी, और उसके बाद मैं इसमें दूध डाल दूंगी, और बाद में और फिर मीठा, तो हल्का मीठा रखूंगी। व्रत में थोड़ा ज्यादा मीठा नहीं खाया जाता, इसलिए हल्का मीठा रखूंगी। तो मैंने गैस कम कर दी है, धीमी आंच पर ये बनता रहेगा, और ना ज्यादा गलेगा और ना ज्यादा कच्चा रहेगा। तो ये देखिए मम्मी ने दूध निकाल लिया है, और अब मैं इसमें डाल दूंगी। मैंने थोड़ी गैस कम बंद कर दी थी क्योंकि ये लगने लगा था, इसमें टपकने लगा था, इसलिए मैंने गैस कम बंद ही कर दी थी। तो अभी मैं दूध इसमें डाल देती हूँ, और ये जो साबुदाना है ये भी गल गया है हमारा अच्छे से। तो थोड़ा सा मैंने दूध डाला है ना, तो थोड़ा सा बाल आ जाएगा इसमें, तो ये हमारा साबुदाना अच्छे से गल जाएगा। मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ जो इसमें दूध है। तो ये देखिए हमारा साबुदाना खीर हमारी, और दाने भी सारे गल गए हैं, अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो ये थोड़ी देर में बनकर तैयार हो जाएगा, उसके बाद मैं पूजा कर लूंगी और भगवान को भोग लगाकर फिर मैं भी अपना उपवास खोल लूंगी। तो ये देखिए हमारे साबुदाने की खीर बनकर तैयार हो गई है, गल भी गया साबुदाना। अब मैं इसमें मीठा डाल देती हूँ। तो इधर मैंने चीनी डाल दी है, और अब धीमी धीमी आंच पर ये पक जाएगा, अच्छे से टाइट सी हो जाएगी खीर। उसके बाद मैं पूजा करके और अपना उपवास खोल लूंगी, फिर मम्मी का खाना बना दूंगी, तब तक भाई और भाभी भी काम से आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों हमारी साबुदाने की खीर बनकर तैयार हो गई है, और दाने भी अच्छी तरह से गल गए हैं। और अब मैं कर लेती हूँ पूजा, पूजा करने के बाद मुझे बनाना है खाना मम्मी पापा के लिए। तो ये देखिए कितनी अच्छे से बन गई है हमारी खीर। तो जब तक ये ठंडी होएगी ना, तब तक मैं मम्मी पापा के लिए खाना बना दूंगी, और उसके बाद मैं अपना उपवास खोल लूंगी। तो अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ, और इसको मैं ढक के रख दूंगी ताकि इसमें कुछ गिरे ना मच्छर वच्छर। और अब ना मच्छर बहुत हो रहे हैं, रात तो कान में घूम गाना सुनाते हैं मुझे तो बोल। तो अभी मैं इसको ढक देती हूँ प्लेट से। तो ये रही हमारी प्लेट, और मैंने इसको ढक दिया। अब मैं कर लेती हूँ पहले पूजा, और पूजा करने के बाद बनाऊंगी मैं मम्मी पापा के लिए खाना। तो तब तक भाभी भैया भाभी भी आ जाएंगे दुकान से, और मैं भी खा लेंगे गरम गरम खाना। तो चलिए दोस्त हम पूजा कर लेते हैं पहले।
दोस्तों शाम का टाइम है और भाई भाभी आ गए हैं अपने काम से और वाले दीदी के यहाँ पर भी गए थे। और जैसे कि कल उनकी राहुल की सालगिरह थी तो दीदी ने मेरे लिए रसगुल्ले भिजवाए हैं, जो मैंने बोला था उन्हें कि दिए बोले थे मैंने, तो उन्होंने रसगुल्ले भिजवाए हैं। तो ये रहे, तो आ जाइए दोस्तों, आप सब भी खा लीजिए रसगुल्ले सालगिरह की खुशी में। कल सालगिरह थी भैया को भी और राहुल की। तो मम्मी पापा ने खाना खा लिया है और भैया भाभी भी काम से आ गए हैं। मम्मी के पैरों में हो रही थी बेचैनी, दर्द हो रहा था, तो भैया ने बोला कोई बात नहीं, चलो मैं दबा देता हूँ, थोड़ा आराम मिल जाएगा। और हमारे गुरुद्वारे में अरदास हो रही है तो बहुत आवाज़ आती है, वीडियो में भी देखिए कितनी आवाज़ आ रही है।